हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मचमोर में। होम एंड मचमोर पे आप ओटीजी, एयर फ्रायर और काफी सारे अप्लायंसेस देखते ही हैं। मैं अपने रिव्यूज, डेमो, डिटेल्स आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगारो रीगल मल्टी फंक्शनल एयर फ्रायर की डिटेल्स। हम जानेंगे इसके बारे में और इसका डेमोन्स्ट्रेशन, साथ ही में एक नॉर्मल एयर फ्रायर से ये कैसे अलग है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगारो रीगल एयर फ्रायर एयर फ्राइंग के साथ साथ ओटीजी के भी फीचर्स के साथ आता है। इसकी कैपेसिटी है 23 लीटर। इसके पहले भी मैंने आपको इस तरह का एक एयर फ्रायर दिखाया था, दिखने में अलग था, उसकी कैपेसिटी भी कम थी। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टील का बना हुआ है, हैवी है और इसका लुक मुझे बहुत पसंद आया। जो स्टेनलेस स्टील फिनिश है इससे ये काफ़ी शीक और क्लासी लगता है। बटन्स हम डिटेल में आगे देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर क्लियर ग्लास दिया गया है, तो जो भी एयर फ्राइंग या बेकिंग हो रही है उसे आप देख सकते हैं। कूल टू टच हैंडल है, यानी आप हैंडल को पकड़ सकते हैं जब अवन गर्म हो या फिर ऑपरेट कर रहे हो। ओटीजी या एयर फ्रायर की तरह जब आप इसे यूज कर रहे हैं तो इसका ऊपर का हिस्सा, साइड का हिस्सा गर्म होता है। इसे सीधे टच ना करें, ऊपर कोई कपड़ा या इमिडिएटली इसके ऊपर चीज ना रखें। साइड में वेंट्स दी गई है, यानी एयर सर्कुलेशन यहाँ से होगा। अगर आप इसे फर्नीचर में प्लेस करते हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि साइड में थोड़ी सी ओपनिंग्स आपके फर्नीचर में हो, हॉट एयर निकलने के लिए जगह हो। यह आता है 16 एम्पियर के प्लग के साथ, तो ध्यान रहे कि 16 एम्पियर के सॉकेट में ही इसे लगाएं। अब देख लेते हैं इसके बटन्स। इंडिपेंडेंट नॉब्स है, यानी हर फंक्शन के हिसाब से अलग नॉब दिया है बेटर कंट्रोल के लिए। सबसे पहला है टाइमर, तो बाकी ओटीजीज की तरह ही यहाँ पर एक मैनुअल टाइमर दिया गया है जिसे आप 0 से 60 यानी 60 मिनट तक सेट कर सकते हैं रेसिपी के हिसाब से। नेक्स्ट है टेम्परेचर नॉब, ये भी आप अपनी रेसिपी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग टेम्परेचर है 100 और मैक्स है 220 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं नेक्स्ट नॉब जो कि है फंक्शन। तो सबसे पहले दिया गया है वार्म, अगर आप कोई चीज गर्म रखना चाहते हैं, मतलब गर्म करना नहीं रखना चाहते, जैसे कि पफ पैटर्स, सिमिलर जो चीजें होती है उनके लिए। नेक्स्ट है ब्रॉयल एंड ब्रॉयल विद कन्वेक्शन फैन, यानी आप फैन ऑन कर सकते हैं। ब्रॉयल मोड पर आप क्विक कुकिंग, ब्राउनिंग, इस तरह की चीजें कैरमलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टोस्ट, फिर है बेक, फिर बेक विद कन्वेक्शन, यानी आपको बेक मोड पर भी फैन मिलेगा, फैन ऑन कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है एयर फ्राई का। अपनी रेसिपी के हिसाब से आप एयर फ्राइंग भी कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं अलग से, टोस्ट भी कर सकते हैं। जो टोस्ट टाइमर है ये केवल फंक्शन में से टोस्ट सेटिंग के साथ ही काम करता है। किसी और फंक्शन पे रखेंगे तो टोस्ट टाइमर काम नहीं करेगा। ब्रेड को आप जितना टोस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि लाइट, मीडियम, डार्क कलर, उसके हिसाब से टोस्ट की सेटिंग आप सेलेक्ट करें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि फंक्शन टोस्ट होना चाहिए, उसके बाद टोस्ट टाइमर सेलेक्ट करें। एक फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप टाइमर शुरू करेंगे ये पावर लाइट ऑन हो जाएगी। ये पावर लाइट ऑफ भी होगी जैसे ही सही टेम्परेचर रीच हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है एयर फ्रायर और ओटीजी का, इसलिए आपको इसके साथ बहुत सारी एक्सेसरीज मिलेंगी जिन्हें यूज करके आप अपनी रेसिपी और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना बना सकते हैं। सबसे नीचे दी गई है क्रम ट्रे, ये रिमूवेबल है, यानी आप इसे निकाल सकते हैं। बेकिंग कुकिंग के समय जो भी आपका खाना गिरेगा वो सीधा आपके ओवन पर नहीं गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा, फिर आप इस ट्रे को निकाल कर बड़ी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। यह वायर रैक जिस पर आप डायरेक्टली टिक्का के तरह की चीजें बना सकते हैं, इस पर आप डायरेक्टली अपना केक का मोल्ड रख सकते हैं या फिर इसका यूज आप एज कूलिंग रैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये ड्रिप ट्रे। ड्रिप ट्रे को आप अपनी वायर रैक के नीचे रख सकते हैं, अगर आप टिक्का या चिकन अपनी वायर रैक पर रखते हैं, या फिर रोटिसरी के नीचे आप इसे भी रख सकते हैं, सीधा इसमें भी कुकिंग या बेकिंग कर सकते हैं। इस एयर फ्रायर के साथ आपको मिलेगी ये फ्राइंग बास्केट, तो अगर आप कुछ एयर फ्राई कर रहे हैं जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, तो आप उसे इसमें फैला सकते हैं, या फिर कोई और चीज जो आप एयर फ्राई करना चाहते हैं इस पे फैला सकते हैं। इसमें 4 स्टैंड दिए गए हैं जिस वजह से ये सरफेस पे चिपकी हुई नहीं होती है और एयर का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। इसे यूज करने के लिए आपको इसे ड्रिप ट्रे पर रखना है और ओवन में इस तरह से स्लाइड करना है। यह ट्रे रिमूवल हैंडल जो हमने ड्रिप ट्रे अभी देखी, उसे ओवन से निकालने के लिए और रखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। यह ओवन मिट्स, ये सिलिकॉन के बने होते हैं। अगर आप गरम गरम ट्रे बाहर निकाल रहे हैं, कोई गरम चीज पकड़ रहे हैं, तब आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोटिसरी शाफ्ट, जिसके साइड पर 2 फोक्स दिए गए हैं जिन्हें आप स्क्रू से टाइट या लूज कर सकते हैं। पूरी तरह से ये फोक्स आप निकाल भी सकते हैं।
इस एयर फ्रायर के साथ आपको कुछ और भी एक्सेसरीज मिलती हैं, जहां पर इन स्क्रूज और रॉड का आपको यूज करना है वो अब हम आगे देखेंगे। तो अपना टिक्का या फिर सिमिलर डिशेस आप इसे यूज करके बना सकते हैं। ये है रोटिसरी फेच टूल। इसे यूज करके आप रोटिसरी रॉड को अंदर रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है रोटिसरी बास्केट या कह लीजिए एयर फ्राइंग बास्केट। इसमें साइड में एक ढक्कन एक दरवाजा दिया गया है, जिसे ओपन करके जो भी आप चीज एयर फ्राई करना चाहते हैं, फिर वो फ्रोजन स्नैक हो या फिर मूंगफली रोस्ट करना चाहते हैं, वो इसमें भर दें और साथ में फिर जो रोटिसरी रॉड दिया गया है उसका रॉड उसमें बीच में से डालें और स्क्रू से टाइट करें। इस तरह से रोटिसरी रॉड जिस तरह से हम हमारे ओटीजी में या एयर फ्रायर में लगाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही लग जाएगा। और जब हम अपने ओवन को यूज़ करेंगे, एयर फ्रायर को यूज़ करेंगे, तो ये पूरा घूम घूम के चीज़ों को अंदर रोटेट करेगा, जिससे इवन एयर फ्राइंग और इवन उसकी कुकिंग होगी। इस एयर फ्रायर के साथ आपको बहुत सारे ये स्क्यूअर्स मिलेंगे और दो डिस्क मिलेंगी। तो ये हमारा एक तरह का रोटिसरी का ही सेटअप है। मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसे असेंबल कैसे करना है। इसे असेंबल करने के लिए आपको रोटिसरी रॉड की ही मेन रॉड और स्क्रूज यूज करने हैं। रोटिसरी रॉड पर आप दोनों साइड से डिस्क लगा लें। एक साइड की डिस्क का आप स्क्रू टाइट कर लें और दूसरी साइड को थोड़ा लूज रखें। फिर एक स्क्यूअर को लगा लें, एक साइड की डिस्क के होल में डालें और दूसरी साइड जो स्लॉट दिया है वहां पर अटका लें। इससे आपको दोनों डिस्क के बीच के डिस्टेंस का अंदाजा आ जाएगा। फिर आप दूसरा वाला स्क्रू टाइट करके बाकी के स्क्यूअर्स लगा लें। इसे भी आप रोटिसरी रॉड की तरह ही अपने एयर फ्रायर में लगा सकते हैं सारे टिक्कों के साथ। साथ ही में आपको मिलेगी यूजर मैनुअल, तो आप इसमें भी और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और एक रेसिपी बुक, तो आप चाहें तो इस रेसिपी बुक की रेसिपीज भी ट्राई कर सकते हैं। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन यानी कुछ रेसिपीज इस एयर फ्रायर को यूज करके। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ तीन रेसिपीज जो मैंने पिक की है इस एयर फ्रायर के साथ आई हुई रेसिपी बुक से, और साथ में मैंने अपने हिसाब से इनमें थोड़े से चेंजेस किए हैं। चलिए सबसे पहले बनाते हैं क्रिस्पी अनियन रिंग्स। उसके लिए हमें चाहिए 2 से 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और मैदा यानी 2.5 टेबल स्पून ईच। फिर डालिए थोड़ा सा नमक, पिज्जा पास्ता सीजनिंग अपने टेस्ट के हिसाब से। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिला लें। इसके बाद पानी डालकर आप इसका मीडियम कंसिस्टेंसी का एक बैटर बना लें। इतना होना चाहिए कि आप प्याज के रिंग्स को अच्छे से इसमें कोट कर सके। तो ये हमारा बैटर रेडी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। प्याज की बड़ी बड़ी स्लाइसेस कट करें और उसके बाद जो प्याज की रिंग्स हैं इन्हें अलग करें। सबसे पहले एक डब्बे में डालें, थोड़ा सा मैदा डालें और नमक डालें। फिर डब्बा बंद करके आप अच्छे से इसे हिलाएं, शेक करें, ताकि प्याज के ऊपर इस सूखे मैदे की कोटिंग बन जाए। इससे ये बैटर से अच्छे से कोट हो सकेगा। अब एक अनियन रिंग लें और इसे बैटर में डुबोएं। सेकेंड कोटिंग के लिए आप ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लेक्स यूज कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स यूज कर रहे हैं तो इसे मिक्सी में चला लें। ध्यान रहे कि बैटर बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, यानी बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा पतला ही रखें। आप सिंगल कोटिंग या डबल कोटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी के अनियंस को भी आप कोट कर लें। इसके बाद आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे इन्हें काफ़ी कम तेल में एयर फ्रायर में। तो इसे मैं रख रही हूँ इस एयर फ्रायर बास्केट में। बिल्कुल ही अगर ऑयल ना डालें तब भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आप इस तरह की एक ऑयल स्प्रे बॉटल यूज करके थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन सेलेक्ट किया है एयर फ्राई, और टेम्परेचर आप अपने हिसाब से 200 से 220 के बीच में रख सकते हैं। इस सेटिंग पर आप लगभग 5 मिनट इसे प्रीहीट करें और उसके बाद इसमें डालें अपनी अनियन रिंग्स। इसे बनने में आपको कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे। अगर अनियन रिंग्स छोटी है या फिर पतली है तो कम टाइम भी लग सकता है, इसलिए ध्यान रखें। क्योंकि ये एयर फ्राइंग बास्केट है, चारों तरफ से एयर सर्कुलेट होती है, तो आपको बीच में इन अनियन रिंग्स को पलटने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी क्रिस्पी एकदम कम तेल में बनी हुई अनियन रिंग्स रेडी है। नेक्स्ट रेसिपी है पेरी पेरी चिकन विंग्स। तो सबसे पहले ले चिकन विंग्स और उसमें डाले पेरी पेरी मसाला। आप ये मसाला घर पर बना सकते हैं या फिर रेडीमेड ले सकते हैं। आजकल काफी आसानी से ये रेडीमेड मिल जाता है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप 2 से 3 टीस्पून ये मसाला चिकन विंग्स पर डालें। अगर आपको पेरी पेरी नहीं बनाना है तो आप तंदूरी मैरिनेशन में भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक भी डालें। थोड़ा अच्छा कलर आने के लिए यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रही हूँ। आप कश्मीरी या ब्याड़गी यूज कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लें।
आप थोड़ी सी पाउडर शुगर डाल सकते हैं, थोड़े हॉट एंड स्वीट चिकन विंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब इन्हें मैरिनेट करने के लिए रखते हैं ढककर रेफ्रिजरेटर में ओवरनाइट या कम से कम एक घंटा। नेक्स्ट एयर फ्रायर को प्रीहीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर एयर फ्रायर सेटिंग पर 10 मिनट के लिए। उसके बाद वायर रैक पर आप चिकन विंग्स को फैला दें और अंदर स्लाइड कर दें, नीचे ड्रिप ट्रे भी रखें। इसे कुक करें आप 20 से 25 मिनट। ध्यान रहे अगर विंग्स छोटे हैं तो 15 से 20 मिनट में भी हो जाएंगे। गर्मा गर्म चिकन विंग्स पर आप लगाएं बटर और इसे अपने फेवरेट सॉस के साथ या फिर मेयो के साथ सर्व करें। बड़े अच्छे लगते हैं और काफी रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर ही बन जाते हैं। नेक्स्ट है बड़े ही बढ़िया गार्लिक स्टफ्ड मशरूम। इसके लिए हमें चाहिए बटन मशरूम्स। इन्हें अच्छे से धो लें और पोंछ लें। इनकी स्टेम को हमें फेंकना नहीं है, पर इसमें स्टफिंग भरने के लिए हमें जगह बनानी है, तो स्टेम निकालें और अंदर का जो भी हिस्सा है इसे आप एक छोटे से चम्मच से निकाल लें। जो भी स्टेम है उसे हम चॉप करेंगे और साथ में छोटे साइज के 2-3 मशरूम भी मैंने रखे हैं। इन्हें आप बारीक चॉप करें चाकू से या फिर चॉपर यूज कर लें। स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई या पैन में डालें थोड़ा सा तेल और एक मीडियम साइज का प्याज फ्राई कर लें। बारीक चॉप करके फ्राई करें, फिर डालें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्राई करें और जो चॉप किए हुए मशरूम के स्टेम्स और बाकी चीजें हैं वो डालें, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक। मशरूम श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा पानी भी छोड़ेगा। लास्ट में डालें थोड़ा सा चीज। मैं यहाँ पे एक प्रोसेस चीज क्यूब डाल रही हूँ। इसका इस तरह का एक पेस्ट बन जाएगा। थोड़ा सा ड्राई होने दे पेस्ट को, उसके बाद मशरूम में अच्छे से भर लें। मशरूम्स को बेक करने के लिए आप एक स्किलेट ले सकते हैं या फिर पिज्जा प्लेट भी ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास कोई केक मोल्ड है, केक टिन है, वो भी यूज कर सकते हैं। एयर फ्रायर को रखें बेक मोड पर 200 से 210 डिग्री सेल्सियस पर। आप 5 से 10 मिनट पहले प्रीहीट करें। 5 मिनट भी प्रीहीट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मशरूम्स को अंदर रखें और सेम सेटिंग पर आप इन्हें पकाएं कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। उसके बाद आप इन्हें बाहर निकालें और चीज डालें ऊपर से। वापस से अंदर स्लाइड करें और सेम सेटिंग पर टाइमर सेट करें जब तक कि जो चीज है ऊपर से मेल्ट ना हो जाए। मशरूम्स बहुत जल्दी पक जाते हैं तो आपको बहुत देर तक इन्हें बेक करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से धनिया डालें और गर्मा गर्म इन्हें परोसें। इस मल्टीफंक्शनल एयर फ्रायर से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मचमोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।